जय मसीह की आप सभी को। हम आशा करते हैं कि आप प्रोफेटिस आशिमा जेम्स बत्रा जी का संदेश सुनकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप 9810585003 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फिर SMS कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आइए सुनते हैं प्रोफेटिस आशिमा जी को। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। आई नो दैट गॉड हैज बीन स्पीकिंग टू अस फॉर सम टाइम। परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। गॉड हैज बीन रिवीलिंग हिज हार्ट टू अस एंड इट हैज हेल्प्ड अस टू मूव फॉरवर्ड। हम बहुत सारी चीजें, दोस क्वेश्चंस दैट वी हैव इन सम फॉर्म शेप और द अदर, गॉड इज आंसरिंग देम डे बाय डे। वो उनका जवाब दे रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो आइए हम अपने सरों को झुकाएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गॉड। परमेश्वर, इस वक्त हम वचन में जाते हैं। जो भी पिताजी आपके मन में है, जो भी जीसस आप कहना चाहते हैं, होली स्पिरिट, जो भी बातें आपने पिता से और यीशु से सुनी है और वो आप जतलाना चाहते हैं, क्योंकि स्पीकर आप हैं, आज आपके मन की सारी बातें सबके सामने प्रेजेंट हो और वो इस बात को समझें कि पिता के मन में क्या है। लॉर्ड, वी आर लुकिंग एट यू। हमसे बातचीत कीजिए और हमारी जिंदगियां आपके जैसी बन जाएं। वी वुड लुक लाइक यू, वी वुड लुक लाइक मेनी जीसस। हम अपने बड़े भाई यीशु मसीह जैसे अच्छे इंसान बन जाएं। हमारी मदद करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर ने चर्च को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी है? सो मैं तो क्योंकि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुई हूँ, सो मैंने हमेशा चर्च की इम्पोर्टेंस को जाना है, माना है। हमारे तो घर में हर संडे चर्च जाया जाता था, लेकिन अब जब मैं बिलीवर बनी, देन आई अंडरस्टूड, सच्चा खुदा का प्यार आपको अगर दुनिया में नहीं मिलेगा, चर्च इज द ओएसिस वेयर यू विल मीट पीपल। आप चर्च में ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि परमेश्वर के लोग हैं और वो आपको निस्वार्थ इज्जत करेंगे, हेल्प करेंगे, प्यार करेंगे। जहां डांटना है वहां डांटेंगे, जहां सही करना है करेंगे। ये सब कुछ हमें चर्च में मिलता है। हम ये कहते हैं हमारे पेरेंट्स जैसे हमें कोई नहीं समझता। हाउएवर, जब हम चर्च में आते हैं, वो बातें जो हमारे पेरेंट्स भी नहीं समझते, जो गॉड समझते हैं, वो हमें सुनने को मिलती है और हमारी लाइफ जो है एक प्रोग्रेस मोड में आ जाती है, एक एक्सेलरेशन में आ जाती है। द रियल एक्सेलरेशन दैट इज एक्चुअली मैटर्स। हम सब चाहते हैं कि बिफोर वी डाई वी डू सम मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। हम सब कुछ कुछ अद्भुत करें, कुछ खास हो, हमारा नाम हो, हम सब चाहते हैं। But that is only possible when you know करना क्या है, because a lot of us are barking at the wrong door. कई लोग गलत जगह पर कुछ कर रहे हैं, and that is something that you don't even need to do. आपको कहीं और होना चाहिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जो गॉड का घर है, जहाँ पे उनके लोग पाए जाते हैं, जहाँ पे वो खुद होते हैं, वहां पर जब हम आना शुरू करते हैं, तब हमारी डेस्टिनी रीशेप होना शुरू होती है। नॉट आवर अजेंडा, आवर वे और आवर फैमिलीज वे, बट ऑल अलोंग जो गॉड ने लिखा था, अब वो किताब ढंग से खुलती है और उसमें से वो सब होना शुरू हो जाता है जो गॉड ने हमारे बारे में लिखा है। सो चर्च इज अ फैमिली। एंड जब मैं व्हेन आई वाज जस्ट स्किमिंग थ्रू द बाइबल एंड आई केम अक्रॉस दिस वर्ड इन जेरेमिया 31, जस्ट वन वर्स, and I'll just read it out to you, and I was very surprised. So Jeremiah 31 mein jo first verse hai, wahan par kuch aise likha tha, at that time declares the Lord, I will be the God of all the clans of Israel and they shall be my people. Hindi mein, un dino mein main sare israeli kulon ka parmeshwar thehrunga aur ve meri praja thehrenge. So God ke man mein ye hai, hum unka family hain, हम आज के इज़राइल हैं, द स्पिरिचुअल इज़राइल, एंड ही डायरेक्टली वांट्स टू बी आवर फादर। और उन्होंने कहा ये मेरी प्रजा होंगे, माय प्लीज्ड पीपल, द पीपल दैट आई एम गोइंग टू गवर्न। सो आई अंडरस्टैंड दैट गॉड लुक्स एट अस एज अ फैमिली, एंड देन वो चाहते हैं कि फैमिली एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे। सो हम जब एक फैमिली में होते हैं, हमारी मेन प्रॉब्लम क्या होती है? पहले जमाने में जब सब लोग बहुत पुअर होते थे, फादर का काम था, पिता का काम था नौकरी करना, कड़ी मेहनत करना और खाना लेके आना। उनका कोई खास अपने बच्चों से
या वाइफ से इंटरेक्शन नहीं था, दे वुड जस्ट गो इन द मॉर्निंग, रात को वो लोग आएंगे और थके हके सो जाएंगे। आई रिमेम्बर कई दफा मैं मम्मी से पूछती, मम्मी पापा कल घर आए थे? हाँ बेटे आए थे, लेकिन आप लोग सो गए थे और वो फिर सुबह सुबह निकल गए, क्योंकि पिता लोग ऐसे करते हैं। एंड वो प्यार हमें घर में कई दफा नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए है। लेकिन गॉड एक फैमिली को ठीक करना चाहते हैं। फैमिलीज में मेजर प्रॉब्लम्स जो पुराने जमाने में थी, पैसा आज भी हो सकता है, लेकिन जिन घरों में ऑलरेडी पैसा है, सो दे कैन टेक केयर ऑफ मेजर थिंग्स इन लाइफ। ऑफ कोर्स पैसा सबको और चाहिए, बट उनके घर में हो सकता है कि घर में झगड़े हो या मिसकम्युनिकेशन हो। सो अ लॉट ऑफ इट हिंजेस ऑन कम्युनिकेशन। हम अपने पेरेंट्स की बातों को बुरा मान जाते हैं, हम उनको सीरियसली नहीं लेते, हमारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। सो जब मैं ये बातें समझ रही थी, देन आई केम टू दिस अक्रॉस दिस वर्स, गॉड के मन में ये है कि उनके बच्चे फैमिली में अच्छा कम्युनिकेशन करें। मैं मेरी फ्रेंड को जानती हूँ, वो एक अनबिलीवर है और वो यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते, बट आई एम ब्लोन ओवर। उनके घर में पैसा भी नहीं है, लेकिन सारे वक्त उस घर में मजाक होता रहा, ओ जीजी तूने ऐसा कर दिया, एंड पापा भी कहेंगे हाँ तू ऐसे कर ले, एंड उस घर में हमेशा जोक चलता रहता है, एंड इट्स अनबिलीवेबल। दे आर पुअर, दे वर नॉट रिच, लेकिन हम सब उसके घर में पहुंचे होते थे क्योंकि वहां पर उस फैमिली में बहुत सारा प्यार था और बहुत सारा मजाक और हंसी की बातें और सारी कम्युनिकेशन क्लियर, कोई किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। देयर वाज लव एंड आई मीन दैट्स वन आइडियल फैमिली इन माय लाइफ। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं इन वर्स 18, एंड आई विल रीड इट इन इंग्लिश फर्स्ट, इफ योर ब्रदर सिंस अगेंस्ट यू, गो एंड टेल हिम हिज फॉल्ट बिटवीन यू एंड हिम। If he listens to you, you have gained your brother. यदि तेरा भाई तेरे विरोध अपराध करे, तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वो तेरी सुन ले, तो तूने अपने भाई को पा लिया। But if he does not listen to you, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. यदि वो ना सुने, तो एक या दो जन को लेकर के उसके साथ ले जा, और हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित की जाए। If they refuse to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and as a tax collector. यदि वो उनकी भी ना माने, तो कर चर्च ले जा। परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने, तो तू उसे अनजाति और महसूल लेने वाले जैसे जन की समान जान। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर चाहते हैं हम अपने परिवार में ओपन कम्युनिकेशन करना सीखें। जिस घर में बच्चे सारी बातें अपने माँ बाप से छुपाते हैं, उनके अंदर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अंत में हम उन्हीं बच्चों के लिए प्रेयर करना जो और मेजर इश्यूज के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, और उनके पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता अपने मम्मी पापा के पास जाकर के बात करने के लिए, ये हमने इस हफ्ते में सीखा था। हम लोग कितनी दफा कहते हैं मम्मी पापा, बार बार बच्चों को कहते हैं बेटा मैंने तेरे लिए, जब वो बिल्कुल हद पार हो जाते हैं, हमने तेरे लिए ये किया, हमने तेरे लिए ये किया, और वो मम्मी पापा की बात सुनते नहीं, और अंत में कहते बस चुप हो जाओ, सारा दिन आप यही बोलते रहते हो आपने मेरे लिए क्या किया। एंड गॉड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने कहा माँ बाप इतना ज्यादा बोलते ये गलत नहीं है। And I was wondering why, जब एक पर्टिकुलर साम पढ़ रही थी, मैं सारे भजन संहिता पढ़ती हूँ, साम्स सारी जगह लिखा, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया। गॉड कह रहे हैं, गॉड मैंने तुम्हें लाल समुद्र से निकाला, मैंने तुम्हें ये करा, मैंने फिरौन को डरा दी, मैंने उसके सारे लोगों को हटा दिया, मैंने लाल सी हटा दी, फिर मैंने तुम्हारे लिए खाना दिया, मैं तुम्हें वहां लेके गया, मैं तुम्हारा परमेश्वर था, मैं तुम्हारे लिए बादल था, मैं तुम्हारे लिए वो था, और मैंने तुम्हें एक तुम्हारा घर दिया, मैंने तुम्हारे लिए तंबू बनाया, मैंने तुम्हारे लिए अपना टैबरनेकल बनाया। गॉड मतलब मैंने सोचा गॉड क्यों ऐसे बार बार बोलते हैं, तो मैं भूल गई। उसके बाद जब हम अपने बच्चों से कहते मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, आगे से वो हम पलट करके कहते बस चुप हो जाओ, सारा दिन ये बोलते रहते हैं और हमें उनकी बात बर्दाश्त नहीं होती। मुझे इसका कारण नहीं पता था, तो मुझे लगा कि शायद जब माँ बाप बार बार बोलते हैं तो शायद उन्हें इतना नहीं बोलना चाहिए, बट बाइबल में तो यही पैटर्न है, गॉड भी बोलते हैं। तब मुझे पता चला माता पिता अपने बच्चों को ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गरीबी में, अपनी तंगी में सैक्रिफाइस किए हैं। जो उन्हें खाना था वो उन्होंने अपने परिवार को दिया। इनफैक्ट somebody said, अभी भी मेरी पत्नी मुझे अगर रोटी उतार रही है और रोटी जली हुई है, तो वो खुद खाती है, मुझे ताजी रोटी देती है, अच्छी रोटी देती है।
ये एक सेल्फ सैक्रिफाइस है, राइट? और हमारे पेरेंट्स ऐसा बहुत कुछ करते हैं जो हमें पता ही नहीं, हमें यही नहीं पता जो आज हमारे सामने रखा है उसके लिए हमारे माता पिता ने क्या 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 कर डाला, और वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और जब उनका जो बैंक अकाउंट है, मतलब उनका जो अपने बच्चों की सेवा करने के लिए अपने जो बच्चों का अकाउंट है, अगर उसका कोई बैंक होता तो वो करोड़ों में अरबों में जाता, क्योंकि वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस काइंडनेस की, उस दया की, उस सैक्रिफाइस की, उस बलिदान की कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुमूल्य है, करोड़ों में है। और जब वो दर्द होता है, जब अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं अपने प्यार से, अपने अफेक्शन से कि ये गलत है, और फिर उसको जब वो नहीं सुनता 10 दफा तो कहते मैंने तेरे लिए ये किया ये किया ये किया, क्या तू मेरी इतनी भी बात नहीं सुन सकता? और तब उनका बच्चा पलट के कहता सारा दिन यही बोलते रहते हो। एक्चुअली माँ बाप का जो बैंक है, अच्छाइयों का बैंक, वो बिलियंस और ट्रिलियंस में है, और बच्चों का बैंक माइनस में चल रहा है। वो उन्हें आत्मगिलानी देता है, उन्हें गंदा फील कराता है, और इसीलिए वो चिल्ला के पड़ते हैं माँ बाप के ऊपर, नंबर वन। और एक और बात है, नंबर टू, माँ बाप सब कुछ छुप करके कर रहे होते हैं, उनको छुप करके नहीं करना है, ऑब्वियसली करना है, उनके बच्चों को पता होना चाहिए। मैंने भी किया छुप करके, इतनी सारी चीजें मैंने छुप करके की, मेरे बच्चों को असली माँ पता ही नहीं है। हम अपने बच्चों को दिखाते नहीं है, बताते नहीं है, चलो कोई नहीं, क्या जानेगा ये मेरा दर्द, नहीं। अब हमें अपने दर्द को उनके सामने, इस जनरेशन के सामने प्रेजेंट करना है। अगर मैं ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता तो ये चीज नहीं होती, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, और मैं, मुझे याद है जब मैं खाना बना करके प्रेजेंट करती थी, हमारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं थी, हम जमीन पे रख के खाते थे खाना आलती पालती मार के, तो मेरी बेटी कहती मम्मी प्लेट हम ले जाएंगे, कहती ना बैठो प्लेट मैं उठाऊंगी, और जब वो पानी मांगते थे वो खुद लेने जा रहे, तुम बैठे रहो खाते रहो, सब कुछ मैं तुम्हें यहीं सर्व करूंगी। और मैं भाग भाग के उन्हें पानी देती थी और सब कुछ देती थी, उनके बर्तन मैं उठाती थी और सब कुछ, जबकि वो करना चाहते थे, उन्हें मैंने नहीं करने दिया। उनको जब मेरे दर्द थे, मुझे दर्द हो रहे, मैं उन्हें नहीं बताया। मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, और मेरे बच्चे आज भी कहते मम्मी आपका तो जीवन एक छुपा जीवन है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, जब तक आप बताओगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा। अभी भी मेरी वही पुरानी आदत है, मैं उनको बताती नहीं, ये मेरी गलती है। हमें अपने बच्चों को बताना है ताकि उनके पास एक रोड मैप हो, जब ये प्रॉब्लम होती, जब ऐसे करना होता है तो ऐसे करना पड़ता है। वो सबसे पहले अपने माता पिता से तो सीखेंगे, और जब वो अच्छे डिसीशन नहीं लेते तो हम उन्हें कहते कैसा बच्चा है, तूने देखा नहीं मुझे करते हुए? नहीं देखा, आपने सब कुछ छुपा के किया। आज की जनरेशन जो इतनी ज्यादा लूज है, अपने मुंह से कुछ भी बोल देती है, उसके जिम्मेदार माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को मिनट टू मिनट नहीं सिखाया, जिसकी कसूरवार मैं भी हूं। और आज जब मैं अपने बच्चों को कुछ कहती हूं या कहूंगी और वो कहेंगे कि मम्मी आप ये बोल रहे हो, तो उनका बैंक खाली जो है वो किसी ना किसी तरीके से मेरी वजह से खाली है, और मुझे ही सुधरना है, और हम पेरेंट्स को सुधरना है। किसने कहा है कि हम अपने बच्चों को सारी लग्जरी दे दें और अपने लिए कुछ भी ना लें? नहीं, जितने इंपॉर्टेंट वो हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम हैं, क्योंकि हम आगे हैं और हम खत्म होने वाले हैं और उनकी जिंदगी अभी बाकी है। हमने अपनी वैल्यू नहीं करी और तब हमारा दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। परमेश्वर ने जितनी जान आपके बच्चों के लिए दी है, उतनी ही जान उन्होंने आपके लिए दी है। जितने जरूरी आपके बच्चे हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपका चर्च है, उतने ही जरूरी आप भी हैं। इस बैंक को भरने के लिए आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्यों नहीं सिखाया, क्यों सारे दर्द अकेले लिए? परमेश्वर भला है। जब इजिप्ट से लोग बाहर निकले थे, सबको खुद चलना था, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है। परमेश्वर छुटकारा सबको देते हैं। परमेश्वर ने बच्चों को भी बचाया इजिप्ट से, उन्होंने अपने बड़ों को भी बचाया, बूढ़ों को भी बचाया, सबको खुद चलना था, जानवरों को भी खुद चलना था। परमेश्वर ने उन बच्चों को अपने कंधों पे नहीं बिठवाया कि चलो मम्मी पापा, अनलेस बेबी छोटा है, वी कैन नॉट वॉक।
उन्होंने कहा सब चलेंगे, सब चले, सारे चले। और बाइबल बताती है एक जगह पे परमेश्वर ने पूरे इज़राइल को एक बाज के समान, एक चिड़िया के समान अपने कंधे पे उठा करके बाहर निकाला। हालेलुया। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जब हम अपने बच्चों के साथ मिल करके स्ट्रगल करते हैं तब हम परमेश्वर के कंधों पे होते हैं। और लोगों को बदलना है, फैमिली की कम्युनिकेशन तभी बदलेगी जब मैं और आप आराम से बैठेंगे, चाहे मेरे मम्मी पापा चले गए तब भी वो चीजें जो छुपी हुई हैं और वो चीजें जो दिख रही हैं उनको बैठ करके लिखो और उसका आदर करो, अपने माता पिता की मेहरबानियों का आदर करो। हाँ, हमारे माँ बाप ने, इंसान है, बहुत सी गलतियां की हैं, उन गलतियों को छोड़ करके ये आपको आदर करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है गॉड के साथ चलने के लिए। अगर जो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमने उनका आदर नहीं किया तो हम गॉड का क्या करेंगे? यस, तो आपको ये बात समझनी है। नाउ यहां पर लिखा है गॉड एक पिता है, उन्होंने हमें अपने बच्चे बनाया, अपनी प्रजा बनाया है, वो चाहते हैं कि उनके बीच में लड़ाई ना हो, राइट? तब उन्होंने हमें एक रोड मैप दिया हाउ नॉट टू फाइट, कैसे हमें चर्च में, हमें अपनी पर्सनल लाइफ में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। एंड यहां पर लिखा यदि तेरा भाई, यहाँ पे बात भाई की हो रही है, और चर्च को हक है, चर्च के लोगों को हक है कुछ चीजें गॉड आपको कलीसिया में दिखाएंगे, बट क्योंकि अभी हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मे बी शी शुड कम टू मी एज और द पास्टर ऑफ द चर्च और द लीडर्स ऑफ द चर्च एंड से मुझे कुछ चीज अजीब दिखी है एंड इट इज नॉट गॉसिप, इट इज नॉट, ये चीज मुझे रियलाइज हुआ एंड से ओ या राइट, सो मैं इसका क्या करूं? एंड देन बिकॉज गॉड ने ये बात रिवील कर दी है, द पर्सन हु वाज द लीडर एंड द लीडर प्रेज अबाउट इट एंड टेक्स इट टू द पर्सन इमिजिएटली, हमें एकदम खुदा की बातों को जो गॉड हमें किसी के बारे में दिखा रहे हैं हमें डिले नहीं करना है। सबसे पहले ये जो वचन है जहां पे हो गया ना, यदि तेरा भाई तेरे विरोध पाप करे, अपराध करे, ऐसा होगा, यानी कि चर्च के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर ऐसा होगा। लेकिन ऑफिस में उसको भाई नहीं कहते, लेकिन कॉलीग कहते हैं, लेकिन एक कॉलीग इन अ वे एक ऑर्गेनाइजेशन का भाई समान है, इज योर को वर्कर, सो यू कैन टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हैं एज अ को वर्कर इमीडिएटली, यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम, बट बिकॉज हम लोग गॉड के लोग हैं वी कैन जस्ट क्विकली से अ स्मॉल प्रेयर। मुझे नहमिया की किताब बहुत अच्छी लगती है, जब वो उदास था और आप राजा के सामने उदास होकर के नहीं जा सकते, दे विल स्ले यू, खत्म कर देंगे आपको, बट बाई चांस ही वॉज ओवरवेल्म्ड, वो इतना दुखी था कि राजा को दिख गया और राजा ने कहा क्या बात है नहमिया, थैंक गॉड उसको मार डाला नहीं गया, और नहमिया को बात बतानी थी, उसने वहां बाइबल में लिखा ही इमिजिएटली प्रेड, उसने एकदम प्रार्थना करी, गॉड क्या बात करनी, क्या कहना, कैसे करना है, आई मीन ही डिड अ क्विक प्रेयर एंड देन वहां से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है, उस प्रेयर से कहानी शुरू होती है, उस प्रेयर से वो राजा से सही बात कर पाया और राजा उसके साथ सही रिसोर्सेस अलाइन कर पाया और सही समय पर, द राइट टाइम ही वॉज एबल टू सेव द टेम्पल एंड रीबिल्ड द टेम्पल एंड सेव द पीपल। सो हमें अगर किसी को फीडबैक देना है बगैर डरे, हमें ऑफकोर्स देर कुड बी सम परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मे बी योर लीडर नो दैट कुछ खास बात है why it is happening and they will tell you. So of course you're going to check with your leaders, but हमें सबको ये muscle build करनी है, जो बात जब करनी है तब करनी है, उस feedback को तभी करना है, वो बाद में सारी situation बिगड़ जाएगी तो उसका क्या फायदा। और चर्च में हमारा भाई हमारे विरोध में अपराध जरूर करेगा, लेकिन कल मैंने और परसों मैंने एक चीज सीखी, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने लोगों से कहा मैंने बड़े बड़े काम करे लेकिन तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। यीशु के समय जब उन्होंने ये हमें रोड मैप दिया कि अगर आपका भाई आपके विरोध में अपराध करे तो क्या करना है, लेकिन हम बिलीव करते हैं अगर हम वो इंसान बन जाएं जो अपने मेजर बैटल्स को ओवरकम कर लें, अगर हम अपराध करते हैं और दूसरा हमें फीडबैक देने आता है, किस तरह के इंसान है हम, हाउ डू वी टेक इट, हम गलतियां करते हैं, मैं भी गलतियां कर देती हूं, लेकिन क्या मैं ऐसी इंसान हूं, क्या मेरे अंदर ऐसी
परमेश्वर के साथ लगन है या अंडरस्टैंडिंग की, जब गॉड मुझे करेक्ट करते हैं मैं उसको, शुरू में मुझे लगेगा नो इट्स नॉट मी, और मेरे साथ ऐसा लगातार हुआ जब गॉड ने मुझे मेरी गलतियां बताई, मैंने ये बोला मैं नहीं 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 मैंने नहीं करा ऐसे, नो नो, बट बाद में जब मैंने ध्यान से उस बात पे मनन करा 100% में वो काम कर रही थी। सो हमारा फर्स्ट, जो लोग घमंड में होते हैं उनका फर्स्ट डिनायल ही होता है। सो आई बिलीव जो नाना कर रहा था वो मेरा घमंड था, देयर वाज द वॉल, और परमेश्वर ने उस घमंड को तोड़ा। अगर हम फीडबैक नहीं ले पा रहे हैं, वी आर गोइंग साउथ rather than not or the right direction, it means हमारे बीच में और दूसरे के बीच में एक wall है। क्योंकि जब हम चर्च में होते हैं, I know there are some organizations जहां पर हर बात के लिए टची होते हैं, अरे आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, एंड उनका अपना सिस्टम है, उनके लोग उससे अकस्टम्ड है एंड उनके लिए वो बातें मैटर करती हैं। तो जब मैं ऐसी जगहों पर जाती हूँ, आई टेक केयर ऑफ दैट। हाँ, हमारे चर्च में हम लोग सर नहीं ढांकते, लेकिन अगर आप हमारे कन्वेंशनल चर्चेस में जाएंगे वहां पर लोग जरूर सर ढांकते। तो जब मैं वहां जाती हूँ मैं सर जरूर ढांकती हूँ, बिकॉज मुझे उन लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, व्हिच इज ओके, यू नो, सो वी कैन ऑनर पीपल। सो नाउ जब हम चर्च आते हैं और हमारा भाई, आपको समझना पड़ेगा आपको कौन फीडबैक दे रहा है। किसी ने बहुत दिनों प्रेयर करी है, किसी ने बहुत दिनों गॉड से हिम्मत मांगी है, एक वर्ड मांगा है, क्योंकि गॉड आपको कह रहे हैं कि फीडबैक देना है। तो जब गॉड ने कह दिया कि फीडबैक देना है, तो उसको उठा के ऐसे ही नहीं दे देना, क्योंकि अगर कोई मुझसे कहेगा फीडबैक दो, आई मे बी वेरी अपसेट एंड गिव इट लाइक दैट, नो, बट होली स्पिरिट आपको बताएंगे आपको फीडबैक कैसे देना है। और अगर कोई मुझे फीडबैक दे रहा है, उसने बहुत सारी प्रेयर की होगी, उसने सोचा समझा होगा और तब वो मुझे फीडबैक दे रहा है, तो क्या मैं अपने आप को दीन करूंगी, अपने गार्ड्स को डाउन करूंगी एंड एटलीस्ट ट्रस्ट कि गॉड ने मुझे ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है चेंज होने का। आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ऑनर्ड कि गॉड मेरी सुधि रखते, तभी तो मुझे बात बता रहे हैं, और अगर मैं बदल गया तो कितनी ग्रेट बात है। इंस्टेड ऑफ दैट कुछ लोग कहेंगे हम तो झूठ बोलेंगे, हम तो डर जाएंगे, हम तो ये गलत काम करेंगे, और एक दफा गलत काम करने वाला नो प्रॉब्लम, लेकिन जो इंसान लत बना लेता है बार 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 उस पाप को करने के, गॉड के विरोध में, चर्च के विरोध में झूठ बोलना या कुछ भी करना, फिर हम कहाँ खड़े हैं? हमने खुदा पे क्या भरोसा किया? हमने खुदा के लोगों पे क्या भरोसा किया जिन्होंने कॉन्फिडेंस से अपना समझते हुए आपको फीडबैक दिया, लेकिन आपने उनकी एक भी ना मानी। बाहर से दिखाया आपको समझ में आ गया, लेकिन अंदर से मन में कालिक है, मन में मैल है, लेकिन परमेश्वर अब भी हमें बदलना चाहते हैं। तो जब कोई मेरे पास आ रहा है, कम से कम मैं उसको ये तो इज्जत दूं कि ये मेरे भले के लिए कुछ कह रहा है, कम से कम मैं उसको कान तो दूं, कम से कम मैं उसको टाइम तो दूं, कम से कम अगर मेरा ईगो कह रहा है ना 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 मैं तो गलत ही नहीं हूं, मैं आशिमा तो कभी गलत ही नहीं हो सकती, मैं तो पास्टर हूं, मैं कैसे गलती कर सकती हूँ। घमंड, घमंड, मुझे हम्बल होना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे अंदर घमंड आया, और मैंने ये बात आपको कई दफा बताई है, लेकिन जब मैंने इंतजार किया, गॉड ने मुझसे बात करी और वो मेरे अंदर गलती निकली, और फिर मैंने उस पे मनन करा, उसको ठीक किया। क्या आप ऐसे इंसान हैं? अगर आपका भाई आपके पास आकर के आपको फीडबैक देगा, आपको कुछ बताएगा, तो आप उसे ग्रहण कर पाएंगे, और हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, ओके, 1%, लेकिन कम से कम क्या आप उस मैटर को लेकर के कहेंगे मैं गॉड से बात करके वापिस आऊंगा, आपको कॉल करूंगा, और अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको 100% चेंज करके आपको एक बदला हुआ इंसान बन के दिखाऊंगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कैन वी डू दैट? क्या हम लोग ऐसे लोग हैं कि जब हमारे चर्च के लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन हमसे कुछ बात कह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हमारे मम्मी पापा ही हमको जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं, या हमारे चर्च के लोग जिनके साथ हम काम करें, क्या हमारे चर्च के लोग जब हमें कुछ गलती हमारी सुधारने के लिए कह रहे हैं, क्या हम उसे दीन होकर के सुनते हैं या बहस करते हैं? क्या हम दीन होकर उसके सुनते हैं या हम उन्हें ये कहते हैं आई विल कम बैक टू यू, या हम कहते हैं यस आपने दिखा दिया,
मेरे मन में भी हल्का सा आया था ये गलत है, आज के बाद ये गलती मेरे साथ नहीं होगी और आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गलती नहीं है। क्या हम ऐसे लोग हैं? सो पीपल ऑफ गॉड, हम सबको एक जिम्मेदारी मिली है। अगर गॉड हमें बता रहे हैं कि जाकर के इस इंसान को फीडबैक दो, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो जो जिम्मेदारी हमारे यीशु मसीह ने हमारे द्वारा चुनी है कि हम दूसरे को जाके बताएं, तो वो हमें बताना ही होगा और हमें उसको टाइम से बताना होगा। ये नहीं एक साल बाद इंतजार करने के बाद, क्योंकि आपने डिसाइड किया है। अब बहुत सारी प्रेयर करेंगे, गॉड आप ही बता दो, गॉड कह रहे तुम बताओ, कह रहे आप बताओ, आप गॉड है या गॉड गॉड है? आप गॉड की काउंसलिंग करें, मैंने ऐसा किया वैसे बाय द वे, बट आर यू काउंसलिंग गॉड? गॉड आपको कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब वक्त है कि हम डिले ना करें, नो मोर डिले। अपने सुधार में हम डिले क्यों करें, अपने भाई के सुधार में हम डिले क्यों करें? और अपने भाई के सुधार करने से पहले हम अपने पे पहले काम करें, और यही आज का वचन है। और तब हम सचमुच में, परमेश्वर ने हमें भाई बहन बनाया है, अपने बच्चे बनाए, अपने बेटा बेटी बनाया है, तो बेटा बेटी का प्यार कहाँ एक दूसरे के लिए, और बेटा बेटी मिलकर के तो वर्शिप करेंगे ना अपने पिता को। सो ये हमें आज हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम उलट के पलट के भर के आए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके वचन का धन्यवाद करते हैं। आप हमारे कितने प्यारे पिता हैं, यू लव अस सो मच। हर एरिया में, हर बात में, हर मैटर में आप चाहते हैं आपके बच्चे मोर देन कॉन्करर्स हो, जयवन से बढ़कर हो। और ये भी छोटी छोटी बातें जो एक्चुअली मेजर बातें हैं, जब हम अपने परिवार में, अपने चर्च में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं सीखते, तो बाहर जाके कुछ भी कैसे भी बोल देते हैं, और उससे हमारे परिवार को, आपकी इमेज को और हमारी जिंदगी को हानि पहुंचती है, टाइम वेस्ट होता है, और लोग हमें एक टाइटल दे देते हैं, और ये बातें, हमारा कम्युनिकेशन जो मन से है वो हमारे मन को दर्शाती है। परमेश्वर आज हम आपके वचन को लेते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, कि आपको इतनी सुधी है हमारी, प्रभु हम बदल जाएं, हम रिफॉर्म हो जाएं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएं, आप की तरह हमारी लाइफ में काम कीजिए, हमारे चर्च का हर मेंबर सच बोलने वाला हो, उसे सच से कभी डर ना लगे, क्योंकि सत्य बोल्डनेस देता है, झूठ डर देता है। और प्रभु हमारे अंदर झूठ ना पाया जाए, खुदा के लोग झूठे नहीं होते, झूठे लोग शैतान के लोग होते, क्योंकि बाइबल कहती है झूठ का पिता दुष्ट है, शैतान है। प्रभु आज मेरे भाई बहनों में झूठ ना पाया जाए, दुख ना पाया जाए, डर ना पाया जाए, परेशानी ना पाई जाए परमेश्वर, लेकिन सत्य पाया जाए। प्रभु आज वो सारे मैटर्स जो अभी भी मेरे अंदर या हमारे अंदर झूठे हैं, काम कर रहे हैं, जो आपके अनुसार नहीं है, आज वो मैटर्स बदल जाए। मुझे बदलिए परमेश्वर, चेंज मी लॉर्ड, मेक मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, मेक मी अ बेटर पर्सन। प्रभु हम अपनी जिंदगी को आपको समर्पित करते हैं, यीशु मसीह आपके जैसा बनना है। आज हमें आपका और भी दर्शन मिले, इस वचन के द्वारा आपका जो दर्शन मन के अंदर गया है, प्रभु मैं ये फील करती हूँ कि आप हमें अंदर से बाहर चेंज कर रहे हैं, और हमें वो इंसान बना रहे हैं कि प्रभु हमें, हमारा भाई पहले खुद ही आके बता देगा, और हम उसे पहले ही अपने आप को चेंज कर लेंगे, और आने वाले दिनों में आपकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट ठोक करके सोने की होगी, इतनी प्योर, इतनी प्योर, इतनी प्योर कि दुनिया इसके बारे में बात करेगी, एंड दे विल से इट इज पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट, इट इज पॉसिबल टू बी सिनलेस, इट इज पॉसिबल टू बी अनब्लेमिश्ड, और हमारे अंदर कोई भी दाग ना हो। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे चर्चेस इंडिया में बेदाग बन जाए, नो चीटिंग, नो रॉन्ग, सब कोई बेदाग बन जाए। धन्यवाद प्रभु, सबको ब्लेस करती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ ये इंसान हम बन के दिखाएंगे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एंड आज का मैसेज यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आई बिलीव दैट यू विल वर्क ऑन दिस मैसेज, और आप परमेश्वर के जन बन जाएंगे, यीशु के नाम से आमीन। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप 9810585003 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन कर भी नंबर सेव कर सकते हैं। प्रोफेटस आशिमा जी से और सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाकर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे।
सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर मौजूद है। जय मसीह की।